चीन के भारत प्रशांत क्षेत्र में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से मुकाबले के लिए अमेरिका की अगुवाई में शुरू किए गए अभियान में भारत शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड देने की योजना बनाई है। अमेरिका की अगुवाई वाली इस त्रिपक्षीय पहल में शामिल नहीं होने का फैसला इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण से बचने की खातिर किया गया है। हालांकि BRI को लेकर भारत की आपत्तियां अभी भी बरकरार हैं, लेकिन साथ ही वो भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में 1 जून को शांग्री ला शिखर सम्मेलन में स्पष्ट किया था कि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र को एक रणनीति या कुछ देशों के समूह के तौर पर नहीं देखा। अमेरिका की अगुवाई वाली त्रिपक्षीय पार्टनरशिप का मकसद भारत प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कनेक्टिविटी बढ़ाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट के लिए फंड दिलाना है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में डिजिटल इकोनॉमी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए $11.3 करोड़ देने का वादा किया है। वो क्षेत्र की सुरक्षा योजनाओं के लिए भी फंड उपलब्ध कराएगा। पिछले वर्ष नवंबर में दोबारा शुरू किए गए क्वाड्रिलेटरल या क्वाड ग्रुप का भारत हिस्सा है। इसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान भी शामिल हैं। हालांकि इसके साथ मोदी सरकार चीन से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। भारत और चीन के बीच हाल के महीनों में कुछ हाई लेवल मीटिंग हुई हैं। इसकी शुरुआत चीन के वुहान में 27-28 अप्रैल को मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक मीटिंग से हुई थी।